शनिवार को सक्करधरा चौक के पतंजलि मेगा स्टोर के सामने महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस की ओर से तीव्र आंदोलन किया गया। सरकार का जब तक नहीं पड़ेगा रामदेव को चाटा, तब तक नहीं बिकेगा पतंजलि का आटा, ऐसे विचार इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए। गौरतलब रहे कि रामदेव बाबा द्वारा कहे गए महिलाओं के संबंध में उक्त बातों को लेकर शहर भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। योग गुरु और कारोबारी बाबा रामदेव आज अपने काम से ज्यादा अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में हैं। दरअसल शुक्रवार को उन्होंने महिलाओं के पहनावे पर जो टिप्पणी की थी, उसे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में रामदेव की आलोचना की जा रही है। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते। माफी मांगो, माफी मांगो, रामदेव बाबा माफी मांगो। अमृता फडणवीस जी के सम्मान में, युवा कांग्रेस मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, युवा कांग्रेस मैदान में, माफी मांगो, माफी मांगो, रामदेव बाबा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, रामदेव बाबा माफी मांगो। शनिवार को सक्करधरा चौक स्थित पतंजलि मेगा स्टोर के सामने महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस की ओर से बाबा रामदेव के खिलाफ सरकार का जब तक नहीं पड़ेगा रामदेव को चाटा, तब तक नहीं बिकेगा पतंजलि का आटा, ऐसे विचार मंगलवार को महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस की ओर से आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा कहे गए। कल जो बाबा रामदेव जी ने महिलाओं के लिए अपशब्द कहे उसके खिलाफ आज महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस की तरफ से संपूर्ण महाराष्ट्र में जब तक बाबा रामदेव महिलाओं की सार्वजनिक तरीके से माफ़ी नहीं मांगते, तब तक हम लोग इनके पतंजलि के दुकान जो है ये शुरू नहीं रहने देंगे। हम लोग इनके दुकान बंद करेंगे, क्योंकि बाबा रामदेव ने सार्वजनिक तौर पे अमृता फडणवीस जी को लेके जो भी कुछ अपशब्द कहे, पहनाव को लेके कहे, वो सब आपको ऐसे हम लोगों को पता चला है, सभी न्यूज़ चैनल से हम लोगों को पता चला है। बाबा रामदेव ने जाहिर तरीके से इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा ये आंदोलन और तीव्र गति से हम लोग अमृता फडणवीस जी के लिए करेंगे। बाबा माफी मांगो, अमृता फडणवीस जी के सम्मान में, युवा कांग्रेस मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, युवा कांग्रेस मैदान। योग के साथ साथ अपने बयानों को लेकर भी चर्चाओं में रहने वाले बाबा रामदेव एक बार फिर महिलाओं के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। दरअसल बीते दिनों बाबा रामदेव ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर अपनी राय रखी थी, जिसमें उन्होंने महिलाओं के कपड़ों को लेकर आपत्तिजनक बात भी की है। एनबीसी न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।